हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फॉर इमिग्रेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं LMIA के बारे में। कुछ स्कैम्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। बेसिकली कन्फ्यूजन्स मैं बोलूँगा, LMIA को लेके इतने सारे कन्फ्यूजन हैं, इतने सारे क्लाइंट्स कॉल करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो में क्लियर कर दूँ, कुछ लोगों की हेल्प हो जाएगी। पहले तो LMIA बड़े सारे लोग समझते हैं वर्क परमिट है, ठीक है, और बड़े सारे लोग ये भी समझते हैं कि LMIA मिल गया तो PR पक्की। एक चीज समझो, LMIA से आपको एक ही चीज मिल रही है, 50 पॉइंट्स। आपको अगर PR के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या करना चाहते हो या करने की सोच रहे हो, तो LMIA आपको सिर्फ 50 पॉइंट्स की सपोर्ट कर सकता है। मान लो एक बंदे की प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री में है 475 का कट ऑफ जा रहा है और उस बंदे के पॉइंट है 425, ठीक है, 425, और उसको चाहिए 475। उसने LMIA खरीदा, उसको मिल गए 50, तो 425 + 50 = 475, अब उसको PR मिल जाएगी। लेकिन हर किसी के 425 थोड़े ना होंगे, लेकिन ये हर कोई सोचता है कि LMIA ले लिया PR, मतलब अगर आपके पॉइंट ही 350 है तो आपको 50 मिल भी गए, आपने LMIA बहुत सारे पैसे देके खरीद भी लिया, तो 350 + 50 = 400, आपको तो 475 चाहिए, आपके 400 भी हैं, आपने 50 खरीद लिए LMIA से जो आपको मिले 450, आपको तो 475 चाहिए। तो बेसिकली LMIA उस बंदे के लिए है जिसके पॉइंट 50 कम पड़ रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री पूल में, और ये लेबर मार्केट जो असेसमेंट है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। एक एम्प्लॉयर को जस्टिफाई करना पड़ता है कैनेडियन गवर्नमेंट को कि वो इंडिया में किसी बंदे को क्यों दे रहा है, क्या कैनेडा में एम्प्लॉई नहीं मिल रहा उनको, प्रूफ दिखाने पड़ते हैं कि वाकई में नहीं मिल रहा, और उनको इसके पैसे पे करने पड़ते हैं 70-80 हज़ार एक एम्प्लॉयर को। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको LMIA देता हूँ, कुछ लोग हमें कॉल करते हैं जी LMIA मिल रहा है 40 हज़ार का, 50 हज़ार का, 20 हज़ार का, तो भूल जाओ, नहीं मिल, वो फेक है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाली थी LMIA के बारे में, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये एक बात समझाना चाहता था कि LMIA से आपको क्या मिल रहे हैं, 50 पॉइंट। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।